और इन्वेंट्री को फिर आपने बेचा है सेल्स कर दिए हैं सेल्स से आपको जो रिसीट रिसीव मनी रिसीव होगी जो आप कैश आपको वापस मिलेगा उस कैश को हासिल करने में इस पूरे साइकिल को परफॉर्म करने में कितने दिन लगे हैं सो बेसिकली व्हेन वी लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देर आर सर्टन अदर टर्म्स ऑल्सो दैट आर यूज टू एक्सप्लेन और एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैश कैश कन्वर्जन साइकिल ये जिसको हम एब्रीविएट करें एज आ ट्रिपल सी इसको हेट ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं इसको हम कैश साइकिल भी बोलते हैं और एब्रीविएट हम इसको करते हैं थ्री सीज के साथ और ये होती क्या है आपने बेसिकली लेना है डेज ऑफ एडवेंट्री आउटस्टैंडिंग को और इसको हम यहाँ एब्रीविएट करें एस डी आई ओ और फिर आपने लेना है डेज सेल्स आउट स्टैंडिंग को और उसको हम एब्रीविएट करें डी एस ओ से और इन दोनों को आपने ऐड कर लेने हैं और इसमें से आपने सप्ट्रैक्ट करनी है डी पी ओ विच इज़ द डेज पेबल आउटस्टैंडिंग सो डेज पेबल आउटस्टैंडिंग बिकॉज यू दैट इज़ एन दैट इज़ अ कैश आउटफ्लो सो यू विल हैव टू सप्ट्रैक्ट दैट और ये दो चीज़ों को ऐड करके डी आई ओ और सी एस ओ को ऐड करके आप डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को सप्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपके पास नंबर ऑफ डेज आएंगे दैट विल गिव यू द कैश कन्वर्जन साइकिल दिस विल हेल्प यू इन नोइंग के हमें ओवरऑल शुरू में जो कैश थी जब बिगनिंग ऑफ द बिजनेस के ऊपर उसको जब आपने कोई इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया प्रोड्यूस्ड आइटम्स में कन्वर्ट किया मैन्युफैक्चर किए कोई चीज़ें या आपने बनी बनाई चीज़ें ले ली और फिर उनको मार्केट में बेच दिया है तो जब वापस आएगी कैश तो उन इस पूरे कैश टू कैश वाले जो प्रोसेस है कैश कन्वर्जन साइकिल जिसको हम बोल रहे हैं इसमें कितने दिन लगे हैं सो so, हमने जो डेज़ इन्वेंट्री आउट आउटस्टैंडिंग को और डेज़ सेल्स आउटस्टैंडिंग को हमने ऐड uh, किया है इसका मतलब है कि दे बोथ फॉर इंडिकेटिंग कैश इनफ्लोस और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया है डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को तो दैट वॉज अप विद अ कैश आउटफ्लो दे फॉर वी हैव सब्ट्रैक्टेड इट, एंड बेसिकली ऑल दीज थिंग्स आर गोई टू हेल्प यू इन हैविंग एन आइडिया के कितने दिन लगाती है कोई भी बिजनेस अपने इन्वेंट्री um, को अपने सेल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए और जब हम ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बेसिस के ऊपर इवेल्यूट करते हैं डिफरेंट फर्म्स को या डिफरेंट कंपनीज को तो हम देखते हैं कि जो फर्म्स बहुत बुरी बुरी तरह से परफॉर्म कर रही हैं यानी कि वो ऑपरेशनली इनफिशेंट हैं उनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो एटी डेज़ या एटी डेज से लॉन्गर होता है का मतलब है कि आपने जो पैसे डाले हैं इन्वेंट्री में और फिर आपने सेल्स से वापस सेल्स करके वापस कैश लेकर आए हो उसके अंदर जो पूरा प्रोसेस है इसमें 80 डेज़ या इससे ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये वर्स्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका कैश कन्वर्जन साइकिल एटी डेज़ या लॉन्गर है लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारी बेस्ट ऑप परफॉर्मिंग बेस्ट ऑपरेशनली परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ हमारा जो कैश कन्वर्जन साइकिल है इट कैन बी ऑफ थर्टी डेज और इवन लेसर देन दैट तो जो मीडियम निकाली हुई है um, इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल की उन्होंने निकाली है कि तकरीबन मोर और लेस वर्स्ट परफॉर्मिंग और बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में ऑर्गेनाइजेशंस uh, जो कि ना कोई बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है ना बहुत बुरी परफॉर्म कर रही हैं तो ऑन एवरेज परफॉर्मेंस वाली फ़र्म्स का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो तकरीबन 45 फाइव डेज का होता है तो ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल है दैट हेल्प्स अस इन असेसिंग के कितनी ऑपरेशनली एफिशिएंट है कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और अगैन मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ डेज़ हैं कैश कन्वर्जन साइकिल के वो बता रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस को किसी भी फर्म की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की को इंडिकेट करती है तो इसका मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो छोटा हो जाए तो उसको छोटे करने के बहुत से मैथड्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में प्रपोज किए हुए हैं डिफरेंट uh, जो प्लानर्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उन्होंने प्रपोज किए हैं कि वो क्या तरीके हैं जिनसे हम हमारी कैश कन्वर्जन साइकिल के ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं तो उसके ड्यूरेशन को कम करने के लिए जो प्रपोज किए हैं बहुत सारे स्ट्रेटजीज उनमें से चंद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें आपने सुना होगा आजकल uh, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लीन मैनेजमेंट लीन मैनेजमेंट का मतलब है कि वो बकायदा एम्फसाइज करती हैं कि हमारी जो लीकेजेस हैं या जो भी वेस्टेजेस हैं वो कम अज़ कम होने चाहिए और आपके पास इन्वेंट्री पड़ी ना रहे विदहोल ना हो आपके ऑर्डर्स स्ट्रीमलाइनड हों कि आपके पास जैसे ही सामान आया है वो फ़ौर आपने पहले से ऑर्डर्स बुक किए हुए हैं आप उनको इमीडिएटली सप्लाई कर दें तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपके जो आ, कहीं भी जहाँ भी वेस्टेज हो रही है मनी की उसको आप कट करते हैं तो ऐसा करने से आपने अपने पूरे जो ऑपरेशन हैं उनको अफिशियंट बनाया है तो जिसको हम कहते हैं लीन मैनेजमेंट करिए तो आप अगर लीन मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल की ड्यूरेशन कम हो जाती है इसी तरह से आप जितने दिन अपने पास इन्वेंट्री को विदहोल्ड करते हैं जाहिर ऑर्डर आएगा ऑर्डरर ने उठाना है सामान फिर आपको वो लेके जब तक लेके नहीं जाएगा तब तक वो आपको पेमेंट नहीं करेगा हंड्रेड परसेंट पेमेंट विल बी विल बी डेफर्ड अंटिल देन तो वट एवर टर्म्स एंड कंडीशन आर देयर लेकिन पेमेंट आने में और आपके पास इन्वेंट्री पहुँची है इस जो इसका जो गैप है इसको आप स्ट्रेटिजिकली स्मार्टली इसको आप कम कर सकते हैं तो आपने बोला हमारी इन्वेंट्री जैसे ही तैयार हुई है सामान आपने जैसे ही तैयार किया या रेडीमेड उसको ख़रीदा है और आगे उसको सप्लायर को देना है या सेल बायर को उसको पहुँचाना है तो जो आपकी पेमेंट है और जो आपके पास सामान रेडी हो गया है इसके गैप को जितना आप कम करेंगे उतना आपका कैश कन्वर्जन साइकिल शॉर्ट होने के चांसेस हैं इसी तरह से जो एक और तीसरी जो ऑप्शन है विच यू कैन एक्सरसाइज विच यू कैन यूज़ इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कैश कन्वर्जन साइकिल इज दैट वॉट अकाउंट्स रिसिवेबल आर देयर आप उनको ज़्यादा जल्दी ऑब्टेन करें कलेक्ट करें जो भी आपने टर्म एंड कंडीशन डिफ़ाइन किया है उसमें आपने ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर रखना है कि जो भी किसी ने पेमेंट देनी है हमारी वो इमीजिएटली पेमेंट दे दे ताकि आपका जो डिले ना आए और आपका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो लंबा ना हो वो शॉर्ट हो जाए ताकि आप अपनी ऑपरेशनल uh, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें या ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है दैट कैन बी एनहसड थ्रू दीज थ्री मेजर Points or emphasizing on these three major aspects.